तो दोस्तों अभी देखिए हम लोग आ गए हैं दरगाह शरीफ के अंदर, जैसा कि आप तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम चल दिए हैं दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह शरीफ पे। तो दोस्तों अभी जैसा कि आप लोग देख रहे होगे, हम लोग अभी रास्ते में हैं, बस दोस्तों निकल दिए हैं, कुछ ही समय में हम लोग दरगाह शरीफ पहुंच जाएंगे। दोस्तों मेरे इस वीडियो में बने रहिए, आप लोग आज आप लोग को दिखाते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह शरीफ, आप लोग भी ज़ियारत करिए। दोस्तों बस पहुँचने वाले हैं, आइए आप लोग को दिखाते हैं मज़ार शरीफ और आप लोग भी ज़ियारत करिए, आइए मिलते हैं आगे। तो दोस्तों कैसे आप लोग, दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इसमें हम लोग दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन साहब औलिया की दरगाह शरीफ पे आए हैं। दोस्तों अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं मज़ार पर ज़ियारत करेंगे, तो आप लोग अंदर का कुछ नज़ारे दिखाते मेरे वीडियो साथ बने रहिए, आइए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे अभी हम लोग चल दिए दरगाह शरीफ के पास। दोस्तों अभी ये रास्ते में जो दुकानें हैं देख रहे होंगे आप लोग, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन वैसे भी हम लोग बहुत सन्नाटे समय आए हैं तो पार में आए, बहुत कम भीड़ है। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे सिन्नी लेंगे फातिया के लिए और फुल अगरबत्ती भी लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मज़ार शरीफ के पास जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, इंशाल्लाह आप लोग भी ज़ियारत करेंगे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का। तो दोस्तों आइए हम लोग बस सिन्नी यहाँ से ले कर बहुत जल्दी दरगाह शरीफ के अंदर चलते हैं, दोस्तों आप लोग को भी ज़ियारत कराते हैं, तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, आइए चलते हैं हम लोग दरगाह शरीफ के पास। दोस्तों तो दोस्तों चल दिए हम लोग इसमें दरगाह शरीफ की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे जिस रास्ते से हम लोग चल रहे हैं, दोस्तों यह मेन गेट तरफ से हम लोग चल रहे हैं। तो दोस्तों रास्ते में जब हम लोग मेन गेट के अंदर होते हैं तो ऐसे ही गली हम लोग मिलती है, इस गली से होते हुए हम लोग दरगाह शरीफ तक पहुँचते हैं। तो दोस्तों देखिए यही एक रास्ता है जाने का, और भी बहुत रास्ते हैं दोस्तों यहाँ पे आने का, बट अभी हम लोग इसी रास्ते से जा रहे हैं, तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, बस इंशाल्लाह बहुत ही जल्द दरगाह शरीफ के पास पहुँचते हैं और आप लोग कुछ ज़ियारत कराते हैं दरगाह शरीफ का। तो दोस्तों अभी देखिए हम लोग आ गए हैं दरगाह शरीफ के अंदर, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही प्यारा लोकेशन है यहाँ का। दोनों जहाँ की दौलत जो चाहो,
तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे हम लोग दरगाह शरीफ आ गए और फातिया भी पढ़ लिए, माशाल्लाह जियारत भी कर लिए। तो दोस्तों आइए आज हम आप लोग को दिखाते हैं कि जो एक मूवी आई थी सलमान खान की बजरंगी भाई जान, तो उसमें इसी दरगाह का सीन है। तो दोस्तों आइए आप लोग को दिखाते हैं और दरगाह का सीन, जो कि मुन्नी की जो माँ होती है जो धागा बांधती है कहाँ बांधती है। तो दोस्तों आइए आप लोग दिखाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये जो रेड कलर का दीवार दिख रहा है दोस्तों, यहीं पर मुन्नी की जो माँ होती है यहीं धागा बांधती मानता के लिए, फिर उसके बाद उसकी लड़की खो जाती है। दोस्तों इसी दरगाह का सीन है जैसा कि आप लोग जो देख रहे होंगे अभी। तो दोस्तों ये हमारे भाई जो हमारे साथ आए हैं जिनकी तबीयत अभी थोड़ा ख़राब है, जैसा कि मैं एक वीडियो में और बताया हूँ, उनको अभी मैं एडमिट किया था दिल्ली, तो दोस्तों इनको भी लेकर आया हूँ हम लोग यहाँ पे ज़ियारत कराने के लिए। जैसा कि ये देख रहे होंगे भाई साहब हवा दे रहे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, तंदुरुस्ती अता फरमाए। दोस्तों आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आइए आज हम लोग चलते हैं हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के खास बगल में, जो कि जमाती मरकज़ है। दोस्तों यह मरकज़ इंडिया का सबसे बड़ा मरकज़ है दोस्तों, और यह वैसे भी सुर्खियों में था लॉकडाउन में। दोस्तों यह मरकज़ मस्जिद जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये सुर्खियों में था लॉकडाउन में कि मरकज़ वाले कोरोना फैला रहे हैं, जैसा कि ऐसा कुछ था नहीं, खामखा अफवाह उड़ा था। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे यह मरकज़ मस्जिद है। तो दोस्तों आइए आप लोग दिखाते हैं जो मेन मरकज़ है जहाँ पे वो लोग रहते थे जो कि अफवाह उड़ा था कोरोना के लिए। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे जो वाइट वाली बिल्डिंग है और ये रेड वाली बिल्डिंग, ये दोनों मरकज़ का ही है। दोस्तों यह मरकज़ इंडिया का सबसे बड़ा मरकज़ है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। दोस्तों यह इंडिया का सबसे बड़ा मरकज़ है और देखिए कुछ हाफिज़ जी लोग अपने गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ बातें चीत अपनी कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं और नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।